कैसा है? बढ़िया। हाँ बढ़िया है। मेरा मंजिता ठीक नहीं है, तबीयत खराब है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक बार। तो दोस्तों आज मैं मोनू भाई को लेने के लिए जाने वाला था एक्चुअल में वो नामसा की तरफ, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रत्यय चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को जस्ती चाहिए तो इसलिए तो पूरा बंद चल रहा है, इसलिए मैं उसका वहाँ पर जा नहीं पाया। तो अगर वह खुलेंगे तो मेरे दोस्त वहाँ पर जाएंगे, तो पहले ले खाना बना भी खा चुका है और नहा भी चुका हूँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर लगातार प्रत्यय चल रहा है, इसलिए मैं इस जगह पर आया हूँ तो वीडियो अपलोड करने के लिए। हम लोग जहाँ जाता है वीडियो अपलोड करने के लिए तो वहाँ पर वह प्रत्यय चल रहा है, तो इसलिए कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया, यहाँ पर आ गया नदी का किनारे। तो हमारा गांव का सामने है लेकिन थोड़ा दूर है, इसी में आया हूँ आप लोग करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, लोकल फिश। तो आज मैं दिन भर वीडियो नहीं बनाया, बस ऐसे रहा, क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो अपलोड हो नहीं पाएगा आज, तो इसी का वजह से बनना छोड़ दिया। तो अब जाएंगे फिर भी बनाएंगे वीडियो। मिला मछली, हैंडसम फिश ना, थोड़ा देखते हैं मछली कितना हैंडसम है। हैंडसम है मछली, हाँ पूरा हैंडसम है। और वहाँ पर जाल पे भी काफ़ी सारा मछली लगा हुआ है, फंसा हुआ है। तो गैस अभी चलते हैं अपना गांव की तरफ। तो फाइनली कम्प्लीटली हो गया वीडियो, टेंशन नहीं बिंदास। तो ये लोग को देखने के बाद मुझे फिशिंग करने का मन कर रहा है। तो दोस्तों अभी मैं जाऊंगा मेरा दोस्त के घर पे, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लगभग एक महीना ऐसे हो चुका है नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना काम पे बिजी हूँ। तो मेरा दोस्त रुपम भाई वो भी बिजी है अपना काम पे, तो बस वो भी हमारा यहाँ पर आ नहीं पा रहा, बस उस दिन आया था। तो गैस मैं जाऊंगा उसका वहाँ पर, तो रुपम भाई का बांजी का तबीयत खराब है, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊंगा अभी देखने के लिए। स्कूल से वापस आ गया तो उसको देखने के लिए जाऊंगा, तो तबीयत कितना खराब है वो बस देखने के लिए और हाल चाल पूछने के लिए। ऐसे भी मुझे बहुत याद कर रहा है कि जिससे हम लोग तो कॉन्टैक्ट में रहते हैं हमेशा, मोबाइल पे हम बातें करते हैं, व्हाट्सएप में बातें करते रहते हैं दोस्तों के साथ। कुछ लोग बोलते हैं कि रुपम भाई के साथ तेरा साथ झगड़ा हुआ, भाई साहब ऐसा कुछ झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है, हम लोग का दोस्ती बरकरार है और बरकरार रहेगा। तो अभी जाते हैं वहाँ पर, मुलाकात होते हैं एक महीना के बाद। तो दोस्तों दो दिन पहले हम लोग का एक सुपारी के बैग चोरी हो गया था घर का नीचे से, तो और परसों रुपम भाई का एक टोकरी सुपारी भी चोरी हो चुका था। सो दोस्तों कालुआ भोग रहा है, लगता है कुछ मारा होगा, कुछ वो जंगल पे घूमते रहते हैं, तो देखते हैं कालुआ ने क्या मारा होगा। तो वहाँ पर बहुत ही भोग रहे हैं, तो जंगल पे दिन भर घूमते रहते हैं, थोड़ा देखता हूँ क्या मारा, कुछ सांप वाप तो नहीं है। तो लिजर्ड भी होता है, बड़ा बड़ा लिजर्ड सांप होता है, ऐसे कुछ लड़ाई कर रहा है, उस तरफ भोंक रहा है बहुत तेजी से। अरे कालुआ तू क्या कर रहा है वहाँ पर? अरे चूहा मारा तू, एक तो इतना हरामी हो तू। ए कालुआ कालुआ इतना बड़ा चूहा को मार दिया तू, ऐसा नहीं है, चलो ए कालू। और यहाँ पर आके ही कुछ ना कुछ शिकारे करते हैं, बहुत ही बड़ा चूहा को फिनिश कर दिया इन्होंने। कालू वहाँ तू कब से शिकारे बन गया रे, हाँ जंगल पे आके कुछ ना कुछ करते रहता है ये। सो दोस्तों अभी चलते हैं मेरा दोस्त के वहाँ पर, तो वहाँ जाने के बाद मुलाकात होते हैं, वापस जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वीडियो आजकल मेरा वीडियो बढ़िया से नहीं बन रहा है, बहुत मैं गाली कर रहा हूँ। तो गैस कुछ लोग को दिल्ली लाइव स्टाइल चाहिए, कुछ लोग को मुकबांग चाहिए, कुछ लोग को क्विंग चाहिए, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन से वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों आपको किस प्रकार का वीडियो पसंद है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई साहब मुझे ऐसा ऐसा वीडियो पसंद है, तो मैं वही टॉपिक के तौर पर मैं ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा। तो हमेशा मतलब मेरा सेम कुकिंग एंड ईटिंग हो रहा है, तो अगर दूसरा वीडियो चाहिए तो बताना, मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मुलाकात होते हैं मेरा दोस्त के घर पर जाने के बाद। तो दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद पहुँच गया हूँ मेरा ससुर का घर। रुपम भाई तो नहीं है, अभी चला गया मुंबई की तरफ घूमने के लिए कुछ काम के लिए। कैसा है? बढ़िया। हाँ बढ़िया है। मेरा मंजिता ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, और इसलिए आ गया। बुज्जी क्या बुज्जी, तू तो गाना नहीं गाते हो ना? लेकिन हमारा कलमा गाना गाता है, म्यूजिक बोल से गाना गाता है, तो ये बुज्जी मतलब बड़ो यानी कि बुरा बुद्धा हो चुका है, इसलिए। तो यहाँ से सुपारी भी चोरी हो चुके हैं, वो एक टोकरी हल्लू कहते हैं फूल। तो हमारे घर से भी एक बैग सुपारी चोरी हो चुके हैं, पहले हमारा एक दिन आगे, उसके बाद ये लोग का घर से चोरी हो गया सुपारी। हेलो, कितना रुपया नुकसान हो गया?
कितना होगा 3-4 हजार 3 हजार 3-4 हजार ओह यहाँ पर लेके आया केला तो फिनिश करना पड़ेगा यहाँ से एक तो थोड़ा टेस्टिंग करते हैं केला काफी बढ़िया है आ गया हाँ, कहाँ गया था दिखा दो, थक गया रॉबरी करने गया था हम दोनों बेम्बो शॉट चोरी सब चोरी का सामान है अरे चोर निकला घर में ऑलरेडी चोर है तो अभी खाते हैं खीरा खीरा ले लो खीरा बोल ना बहुत टेस्टी है लोकल ऑर्गेनिक बाय बाय मंजिता जरी बाय बाय सबको बाय तो दोस्तों अभी जाना पड़ेगा अपना घर के तरफ और प्लस शाम भी हो रहा है तो दोस्तों फाइनली आ चुका है मेरा दोस्त के वहाँ से तो तबीयत तो खराब है लेकिन बस वो स्कूल को छोड़ के आना पड़ा वो अभी वो घर पर है तो शायद तो जीरी जी का भी तबीयत खराब है काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं वो भी सब वो अभी चलते हैं काम करने के लिए तो बाद में खाना खाएंगे तो बना के खाएंगे तो अदरक का खेती का काम करेंगे तो काफ़ी जंगल रहा है हमारे अदरक का खेती तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कुकिंग एंड ईटिंग वीडियो तो आपने फार्मिंग का वीडियो ज़्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ ये है हमारा सुपारी का खेती हमारे निकिता जी का है और ऐसा वाला सुपारी का खेती में बनने की कोशिश कर रहा मैं दूसरा जगह पे सो दोस्तों मैं वीडियो पे फोकस करूँ या मैं खेती में फोकस करूँ तो समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा 4-5 वीडियो पिछले बार गैप हो चुके हैं खेत पे काम करते करते तो ये हमारा घर का बाउंड्री के अंदर में किया है अदरक का खेती तो ये काफ़ी जंगल हो रहा है तो इसको सफाई करना पड़ेगा गैस पूरा बिजी रहना पड़ते हैं ये वाला पूरा वो ख़त्म हो चुके हैं इसको सफाई कर रहा है जंगल का क्लियर कर रहे हैं तो ये पूरा जंगल है इसको तो इसको बढ़िया से क्लियर करना पड़ेगा ये पूरा ऑर्गेनिक है इसमें कुछ भी केमिकल तेमिकल कुछ भी नहीं मारा अगर कुछ केमिकल मारते थे पूरा क्लीन हो जाता तो सब हाथों से करेंगे तो गैस अभी हमारे यहाँ पर अदरक का पर केजी कीमत है 80 रुपीस ऐसे कुछ चल रहा है तो आपके वहाँ पर काफ़ी महंगा हो सकते हैं अदरक सिर्फ 80 रुपया हमारे यहाँ पर तो काम करते हैं अदरक का खेती को थोड़ा सफाई करते हैं तो यहाँ पर एक जहरीले वाला मेंढक मिल चुका है तो ये वाला काफ़ी जहर होता है आदमी मरते हैं ये तरह से खाने से इवन जानवर भी मरते हैं सो दोस्तों ये वाला मेंढक का काफ़ी जहर होते हैं तो ये वाला खाने से इवन हाथी भी मर सकता है इतना जहर होता है यहाँ पर ये वाला बहुत जहर होते हैं तो बाकी वाला तो खा सकता है कुछ लोग खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाता हूँ ये मेंढक तो वो पहले 1980 का ज़माना में कुछ लोग का वो जहर खरीदने का भी पैसा नहीं था हम लोग के लिए बाज़ार बंद था तो फार्मेसी सब कुछ बंद था बस बेसिकली हमारे ट्राइब्स के लिए उस समय का बात कर रहा मैं तो जहर खरीदने का भी पैसा नहीं था और प्लस वो खरीद भी नहीं सकता था तो वो बस वो खाने के बाद मर जाते थे सुसाइड करते थे जहर शुरुआत में पहले ज़माना में तो लगभग हो चुके हैं वो 1990 के बात कर रहा मैं उस समय का वो एक्सीडेंट के बात कर रहा मैं तो दोस्तों मैं उस चीज़ को नहीं बताऊंगा कि वो कौन सी वाला पात खाने से आदमी मरते हैं तो 1980 में उस समय हमारे ट्राइब्स की बहुत सारे लोग वो खा के सुसाइड किया था क्योंकि हम लोग हमारे ट्राइब्स में कुछ लोग बहुत ही बीमार पड़ते थे तो हम लोग के लिए हॉस्पिटल बंद था उस समय 1980 के बारे में बात कर रहा मैं उस समय बहुत पहले का तो उस समय वो खा के सुसाइड कर के मरता था क्योंकि हम लोग के लिए पूरा हॉस्पिटल बंद था उस समय तो इसके बारे में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है कंट्रोवर्शियल चीज़ है तो इससे मैं दूर रहूँगा तो वो चीज़ करने से कुछ भी हो सकता है इसलिए मैं नहीं करूँगा इसके बारे में तो इसके बारे में बहुत सारा न्यूज़ में आर्टिकल में वेबसाइट में होंगे अवेलेबल तो वो चीज़ तो छोड़िए वो पुराना हो चुके हैं तो दोस्तों खेत पे काम करते करते और यहाँ पर मिल चुके हैं जहरीली वाला मशरूम मैं दिखाता हूँ इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ ये खाने से क्या होता है यहाँ पर है काफ़ी जहरीली वाला मशरूम तो खेत में काम करने से बहुत सारे चीज मिलते हैं जहरीली वाला तो उसे संभल कर रहना पड़ते हैं तो अभी तो मैं दिखा चुका हूँ जहरीली वाला मेंढक तो वो थोड़ा सा खाने से जहर होते हैं मैं वो फाट नहीं दिखाऊंगा कौन सी खाने से वो आदमी मरता है करके तो मैं नहीं दिखाऊंगा एक चीज़ खाने से आदमी मरते हैं तो ये वाला यहाँ पर
मशरूम भी है, वो खाने से भी आदमी मरता है। तो यहाँ पर वो एक प्रकार का जहरीले वाला पत्ता इसमें नजर आ रहा है, तो वो खिलाने से वो आदमी मर सकते हैं, मरता भी है। तो मैं वो चीज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग जान जाएंगे और ये चीज को मिसयूज करेंगे दूसरा को जान से मारने के लिए। मैं इसलिए इसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो उस पत्ता को नहीं बताऊंगा। यहाँ पर है, मौजूद है खेत पे, तो खेत पे काम करने से बढ़िया से हाथ बुला के खाना खाना पड़ता है, नहीं तो जान जाएगा। तो दोस्तों इतना इजी नहीं है भाई यूट्यूब चैनल संभालना और प्लस खेत को भी संभालना, तो बहुत ब्रेन में बहुत पैसा पड़ता है, तो फिर भी काम करना पड़ता है गैस, तो पेट के लिए खुश भी करना पड़ता है, तो इसको तो पूरा क्लीन करना पड़ेगा जंगल। नहीं तो बात ये, अगर इस समय से क्लीन नहीं करेंगे तो बाद में पैसा नहीं मिलेगा, तो हम लोग पैसा का पैसे बांटते हैं, तो पैसा नहीं होगा तो जिंदगी नहीं चलेगा। ये रोज रोज आना पड़ता है। खेत का वजह से मैं कौन से वीडियो अपलोड कर नहीं पाता हूँ, खेत देखेंगे ना यूट्यूब देखेंगे। सो दोस्तों फाइनली अदरक का खेती वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, तो अभी जाएंगे वो ट्राइस करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो काफ़ी मैं थक चुका हूँ भाई। तो दोस्तों मैं YouTube पे फोकस करूँ या खेत में फोकस करूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खेत में फोकस करने से लगभग 3-4 महीने के बाद ही पैसा मिलता है। YouTube में फोकस करेंगे तो 1-1.5 महीने के बाद पैसा मिलता है, तो दोनों ही जरूरी है, दोनों को मैं बैलेंस करके रखने की कोशिश करूँगा दोनों। सो मेरा हाथ तो काफ़ी गंदा हो चुके हैं, ये एक हाथ, तो एक हाथ तो गैस, ये हमारे घर और हमारे घर की बाउंड्री। सो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो और मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट भी। तो अभी जाऊँगा वीडियो को अपलोड करने के लिए क्योंकि शाम हो रहा है ना, और मिलेंगे कल फिर से 4 बजे के आसपास दोबारा। है कलवा मदना तू, कलवा मदना हमारा सिंगर, तूने एक चूहा मारा ना बड़ा चूहा मदना। मैं जाऊंगा आज, ठीक ना, मत आना।